हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। मैं हूं संजीत और आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हाई सीओडी सैंपल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम 0.25 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन 5 ml। दोनों ही सैंपल ब्लैंक और जो हमने सीओडी निकालना है उस सैंपल का। अब हम दोनों ही सैंपल में ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, ब्लैंक और दूसरा सैंपल में भी। अब हम ऐड करेंगे 15 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही सैंपल में, जिसमें कि हमने पहले से ही सिल्वर सल्फेट मिक्स करके रखा हुआ है। तो ये आपको 24 घंटे के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में सिल्वर सल्फेट ऐड कर देना है। अब ब्लैंक सैंपल में मैं 10 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैंक सैंपल ही रेफरेंस होता है सीओडी का। अब हमें बनाना है डाइल्यूशन सैंपल। तो 100 ml के डाइल्यूशन फ्लास्क में मैंने पहले से ही डिस्टिल वाटर ले लिया है और अब हम ऐड करेंगे इसमें हाई सीओडी सैंपल। तो सैंपल लेने से पहले हम इसे रिंस करेंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने पिपेट रिंस कर ली है और अब इसमें मैं 1 ml हाई सीओडी सैंपल ऐड कर रहा हूँ। तो डाइल्यूशन फ्लास्क में 1 ml हाई सीओडी सैंपल मैंने ऐड कर लिया है और इसे 100 ml पूरा डिस्टिल वाटर से भर देना है। तो 100 ml सैंपल पूरा हो चुका है डिस्टिल वाटर मिलाकर। इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो जैसे कि मैंने प्रॉपर तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। तो एक बात बहुत ज़रूरी है सीओडी लगाने से पहले, कि आपकी पिपेट रिंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 1 या 2 बार सैंपल लेने से पहले इसे रिंस कर लें। तो मैंने अच्छे तरीके से रिंस कर ली है वॉश करने के बाद भी। तो अब मैं 1 ml पिपेट में हाई सीओडी सैंपल, जो डाइल्यूटेड सैंपल है, उसे ले रहा हूँ और धीरे धीरे, जब तक कि कलर चेंज ना हो। क्योंकि एकदम से अगर हम पूरा सैंपल ऐड कर लेंगे तो सैंपल फेल हो सकता है, क्योंकि हमें इसकी पहले से सीओडी मालूम नहीं है। तो इसलिए ड्रॉप ड्रॉप करके हमें ऐड करना है। जैसे कि हमें लगे कि अब कलर चेंज होने लगा है तो सैंपल बंद कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैंपल ऐड करते ही ग्रीन कलर हो चुका है। तो मैंने सिर्फ 0.5 ml सैंपल लिया है और अब पिपेट दोबारा डिस्टिल वाटर से रिंस करके इसे पूरे सैंपल को, मतलब जो हमारा पूरा वॉल्यूम है, उसे 10 ml बना देना है। तो 0.5 ml तो सैंपल है और 9.5 ml इसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया गया है। तो दोनों सैंपल अब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब दोनों को हमें 2 घंटे के लिए हीटिंग पर रखना है सीओडी डाइजेस्टर के ऊपर, जिसका टेम्परेचर है 152 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर कंडेंसर लगा देने हैं। अब मिलेंगे हम 2 घंटे बाद। जैसे कि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और ब्लैंक और हमारा जो सीओडी सैंपल है वो डाइजेस्ट हो चुका है उसमें सीओडी। तो दोनों को ही उतार कर हम उसमें 40 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे दोनों ही सैंपल में, ब्लैंक और जो सीओडी सैंपल है हमारा। अब जब सैंपल पूरी तरीके से कूल हो चुका है तो अब हम टाइट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले टाइट्रेशन करेंगे ब्लैंक सैंपल का। अब 2 ड्रॉप हमने उसमें फेरन इंडिकेटर ऐड कर दिया है और धीरे धीरे हम इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट 0.1 नॉर्मल के सॉल्यूशन से डाइल्यूशन करेंगे। तो जब तक कि एंड पॉइंट ना आ जाए तब तक इसे धीरे धीरे हम टाइट्रेशन करेंगे। तो एंड पॉइंट आता है ब्रिक रेड पे। तो एक बूंद डालते ही ये ब्रिक रेड कलर आ चुका है। अब हमारा टाइट्रेशन करना है हमें, जो हमारा सैंपल था सीओडी सैंपल, इसमें हमने 2 ड्रॉप सेम वही फेरन इंडिकेटर ऐड करना है। तो अब टाइट्रेशन करेंगे।
धीरे धीरे ड्रॉप वाइज बिल्कुल। एंड पॉइंट पर ब्रिक रेड कलर आ जाएगा तो वहाँ पर हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं ब्रिक रेड कलर आ चुका है, ब्लैंक है हमारा 12.5 ml, ब्यूरेट रीडिंग है 5.7 ml, सीओडी का फॉर्मूला है ब्लैंक माइनस ब्यूरेट रीडिंग इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एफएएस इनटू 8000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो इस फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डाइल्यूशन मेथड में वॉल्यूम ऑफ सैंपल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमारा हो जाएगा, जैसे कि आपको मालूम है मैंने 1 ml सैंपल लिया था जिसे मैंने डाइल्यूट किया 100 ml डिस्टिल वाटर में, और डाइल्यूटेड सैंपल मैंने यूज़ किया था सीओडी एनालिसिस के लिए 0.5 ml। तो कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगी 0.005 ml। अब वॉल्यूम ऑफ सैंपल को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो सीओडी आ जाएगी सैंपल की वो आ जाएगी 1,88,000 मिलीग्राम पर लीटर और ppm। आई होप गाइज आप लोगों को ये फार्मूला और ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने सवालों का जवाब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।